हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है आठ, सी ऑप्शन है आधा, डी ऑप्शन है अग्नि। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है आठ, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है तद्भव और तत्सम। तत्सम और तद्भव में क्या मतलब होता है, ये आप सभी लोग को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तत्सम वह होता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में बोले गए हैं और वर्तमान में भी उसी का प्रयोग हो रहा है, वे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव होते हैं वे पहले तो संस्कृत भाषा के शब्द थे जिन्हें मॉडिफाई करके अब अपनी भाषा में बोला जाने लगा है, तो उसे कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। ये बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया। तो इसी तरह से तत्सम तद्भव को आप कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो तद्भव नहीं है, तो इसमें जो अग्नि है ये तद्भव नहीं है। साधारण भाषा में अग्नि को हम लोग आग कहते हैं। आठ की अगर बात करें तो इसको बोलेंगे अष्ट, ठीक है। आम को बात करें तो इसे बोलेंगे आम्र, ओके। और इसमें आधा दिया है तो इसे बोलते हैं अर्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? ए ऑप्शन है अकल, बी ऑप्शन है अकिल, सी ऑप्शन है अकेला, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एकल का तद्भव शब्द अकेला हो जाएगा। अन्य विवरण की बात करें जाए तो आम के बारे में हमने आपको बता ही दिया। आम जो है अम्र होता है, आम्र होता है, अग्नि आग होती है, चूर्ण चूरण होता है और ताम्र तांबा होता है। इस तरह से इन शब्दों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द का तद्भव शब्द रूप कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन है अजाना, बी ऑप्शन है अजान, सी ऑप्शन है अनजान, डी ऑप्शन है अनजाना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप अजान होता है, ठीक है। अब अग्नि, बाकी और भी शब्द हैं जिनके बारे में आप याद रखेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया अग्नि है उसको आग कहते हैं, धैर्य है, धीरज होता है। श्रावण की बात करी जाए, अगर ये वाले श्रावण की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है सावन। क्षार की बात करी जाए तो वो होता है खार। तो ये इस तरह से ये शब्द भी याद रखिए, जो एक्स्ट्रा शब्द आपको बताए जा रहे हैं उन्हें भी अपने हिसाब से याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जाए, जो एक्स्ट्रा शब्द बताए जा रहे हैं उनमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ए ऑप्शन है आँख, बी ऑप्शन है आत, सी ऑप्शन है अंक, डी ऑप्शन है अंजलि। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आँख, ठीक है। अब आँख दो जो दिया गया है इसका तद्भव तत्सम शब्द हो जाएगा अर्क, और आत्र जो दिया गया है इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आत। अंजलि या अंजलि जो है ये हो जाएगा अंजलि। अगला क्वेश्चन है, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? ए ऑप्शन है अनार्य, बी ऑप्शन है अनत्य, सी ऑप्शन है अट्टालिका, डी ऑप्शन है अन्यत्र। तो अनाड़ी का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा अनार्य। अनाड़ी का तत्सम रूप अनार्य होगा, से सभी विषय जो विकल्प हैं असंगत हैं। अट्टालिका और अन्यत्र के तद्भव रूप क्रमशः अटारी और अनंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है अंग्रेज, सी ऑप्शन है कैंची, डी ऑप्शन है कुली। तो हिंदी भाषा में जो
आलू शब्द है वो पुर्तगाली का भाषा का शब्द है, जबकि अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है, और कैची और कुली जो है तुर्की भाषा के शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है खानाबदोश, वी ऑप्शन है पाथेय, सी ऑप्शन है उपाहार, डी ऑप्शन है स्वल्पाहार। तो इसका जो सही आंसर, अब जैसे आप जा रहे हो तो रास्ते में खाने के लिए जो कलेव बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पथ पे जा रहे हैं तो उसे कहेंगे पाथे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है निस्वार्थी, बी ऑप्शन है सहायक, सी ऑप्शन है पुण्यात्मा, डी ऑप्शन है हितैषी। तो ये सब बात आप जानते हैं कि बिना स्वार्थ के अगर कोई कार्य करेगा तो उसे क्या कहेंगे? निस्वार्थी कहेंगे। और ऊपर के ऑप्शन में जो खाना बदोश है इसका मतलब होता है जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। ठीक है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है उसे कहते हैं खाना बदोश। तो ये भी आपको याद रखना है। और बिना स्वार्थ के काम करने के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा निस्वार्थ, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा? मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित स्त्री है मतलब कन्या है, तो उससे उस पुत्र का उत्पन्न हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? कुमारी सुता, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कानीन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वह इसको कानीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, अतिथि इसका उत्तर हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो उसे कहेंगे अतिथि, और जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित, जैसा कि सी ऑप्शन में पूछा गया है। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित, और जो पहले से जन्मा हो उसे कहेंगे अग्रज। जो पहले जन्मा हो मतलब दो भाई हैं, जो पहले जन्मा होगा उसे कहेंगे अग्रज। ओके, और उसके बाद जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसके लिए पदच्युत का यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, विस्थापन कब यूज करेंगे और पदच्युत कब यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अंडक, बी ऑप्शन है जलज, सी ऑप्शन है अंडज, डी ऑप्शन है अंडाड़ू। तो अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है, तो वो हो जाएगा अंडज। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जल से उत्पन्न हो जाएगा उसे कहेंगे जलज, जैसे कि कमल। अगला क्वेश्चन है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अनुकरणीय, बी ऑप्शन है अलौकिक, सी ऑप्शन है अनिवार्य, डी ऑप्शन है अनिर्वचनीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, ए ऑप्शन है अग्रिम, बी ऑप्शन है अग्रज, सी ऑप्शन है अग्रगण्य, और डी ऑप्शन है अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है वो क्या है? तो उसको अग्रणी कहा जाता है। जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है, और जो आगे वाला होता है उसे अग्रिम कहते हैं। ठीक है, और जिसकी गिनती हो उसे कहेंगे अग्रणी, अग्रगण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ए ऑप्शन है अवर्णीय, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष,
सी ऑप्शन है अदर्शनीय, डी ऑप्शन है अदृश्य। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। अब अवर्णनीय की बात करी जाए तो जो जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके वो अवर्णनीय, और जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसका जन्म बाद में हुआ, तो जिसका पहले जन्म हुआ उसे अग्रज कहेंगे, तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसे कहेंगे अनुज। तो ये भी याद रखिएगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहेंगे, अग्रज। और बड़ी बहन अगर पूछ ली जाए, बड़ी बहन, तो उसे कहेंगे अग्रजा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उचित वाक्यांश में सही विकल्प को चुनिए। तो अन्य मनस्क का चुना गया है, अन्य मनस्क शब्द दिया गया है जिसके बारे में वाक्यांश दिए गए, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। बी ऑप्शन है किसी और स्थान पर। सी ऑप्शन है जो पहले से ना हुआ हो। डी ऑप्शन है जो नया ना हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जिसका जन्म अनमनस्क का मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा है तो वो है अन्य मनस्क, किसी और स्थान पर तो मतलब अन्यत्र, और जो पहले ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। और जो नया ना हो वो होता है अनूतन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मनुष्य स्वभावतः अकेला पसंद नहीं करता है। बी ऑप्शन है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। सी ऑप्शन है देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। डी ऑप्शन है मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप अगर पूछ लिया जाए तो वो होगा देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने पुस्तक पढ़ा। बी ऑप्शन है राम के अनेकों नाम है। सी ऑप्शन है मैंने पुस्तक पढ़ी। और डी ऑप्शन है मेरे को जाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। बाकी जो राम के अनेकों नाम है, मुझे जाना है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप एकदम बता देंगे बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि दही है पुल्लिंग में, इसको पुल्लिंग में इसको बोला जाता है, दूध और दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, मोटा सा आदमी आया है। बी ऑप्शन है आपकी चरित्र अच्छी है। सी ऑप्शन है तुम्हारी जेब खाली है। डी ऑप्शन उसकी कलम खो गई है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, चरित्र अच्छा है यहाँ पर बोलेंगे, अच्छी है यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है भद्र, बी ऑप्शन है सील, सी ऑप्शन है शालीन, डी ऑप्शन है असभ्य। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभ्य का विलोम शब्द सदैव असभ्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि आग। तो इसका जो सही आंसर है वो सही हो जाएगा, अग्नि और आग जो है विलोम शब्द नहीं है, ये समानार्थी शब्द है, बाकी सभी जो शब्द है वो विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी,
तो इसका क्या होगा विलोम शब्द? अधोगामी, बी ऑप्शन है विमुख, सी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन है उदयाचल। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द सदैव अधोगामी होता है। अब विमुख की बात करें तो विमुख का विलोम शब्द होता है सम्मुख, ठीक है। और अधम की बात करें तो अधम का होता है उत्तम, ठीक है। उदयाचल का होता है अस्ताचल, ओके। तो ये सारे विलोम शब्द याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध, जो क्रुद्ध दिया गया इसका विलोम शब्द आपको छांटना है। ए ऑप्शन है क्रोधित, बी ऑप्शन है शांत, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है अक्सर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रोध का शांत विलोम शब्द हो जाएगा। क्रोधित का भी शांत होगा, अधिक का न्यून हो जाएगा और अक्सर का कभी कभी या कभी कभार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? ए ऑप्शन है डूबना, बी ऑप्शन है अपकृत, अप्रकट, और सी ऑप्शन है परोच्छ, डी ऑप्शन है सफेद। तो श्या का मतलब होता है काला, तो काले का विलोम शब्द सदैव क्या हो जाएगा? सफेद, ठीक है। बाकी अप्रकट का हो जाएगा प्रकट, परोच्छ का हो जाएगा प्रत्यक्ष, और डूबने का मतलब हो जाएगा तैरना। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? ए ऑप्शन है रेगिस्तान, बी ऑप्शन है आर्द्र, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है अनावृष्टि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। और आर्द्र जो दिया गया है इसका हो जाएगा विलोम शब्द शुष्क, और बाढ़ का हो जाएगा रेगिस्तान। बाढ़ का रेगिस्तान नहीं, सूखा हो जाएगा, बाढ़ का हो जाएगा सूखा और रेगिस्तान का हो जाएगा उपजाऊ। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ए ऑप्शन है अहिंसा, तो ये तो बहुत ही सरल है, आपको पता भी होगा हिंसा का विलोम हो जाएगा अहिंसा, और अशांति का विलोम हो जाएगा शांति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरहो का विलोम है? तो अरहो का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है प्ररोह, बी ऑप्शन है अवरोह, सी ऑप्शन है समारोह, डी ऑप्शन है निर्मोह। तो अरोह आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। अगला क्वेश्चन है, अल्प का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कल्प, सी ऑप्शन है स्वल्प और डी ऑप्शन है अति। तो अल्प का विलोम शब्द होगा अति। अति का अर्थ होता है अधिक और अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अति। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम है अनासक्त, बी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है निरुत्साह और डी ऑप्शन है निमग्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। और अधम का आपको मैंने बता ही दिया उत्तम हो जाएगा, निरुत्साह का हो जाएगा उत्साह, और निमग्न का हो जाएगा अग्निमग्न, अनिमग्न या अमग्न। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो के ऊपर आपको आइकन में मिल जाएगा। और दूसरा पार्ट ये है, और कोशिश की जाएगी कि आप 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहें, जिससे कि आपको इधर उधर दो वीडियोस ना देखना पड़े। तो कल से आपको 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।